पूरा पानी पानी है सारा। पहले यहाँ जिस टाइम मैं प्रधान बना था 2007 में, उस टाइम यहाँ पानी नहीं था। मैंने टैंकर लगाया यहाँ विभाग से, मतलब उसके बाद ये योजना हमारी मंजूर हो गई पानी की। तो उसके बाद हमने पानी का पूरा पूरे रेवन विलेज में पानी पानी ये पाइपलाइन बनाई है मैंने। पूरे जितने रेवन विलेज है सारा पानी होगा प्रत्येक घर में। की कॉस्ट है मतलब 33 लाख। किसानों की जो जमीन है मतलब इसमें पूरे मटर बोते हैं इन लोग। किसानों का तो फायदा है। पहले यहाँ मतलब असिंचित था, मतलब ना जब जैसे ये हौज बन गया, जैसे कच्चे टैंक बन गए, तो सबका फायदा होगा सिंचाई, ताकि लोग अपनी सब्जी जैसे हमारे यहाँ आलू होता है, मटर होता है, एक एक किसानों के मतलब किसी के 50,000 रुपये के होते हैं के, दो दो महीने में, 3 महीने की, हाँ 2 महीने की फसल होती है मटरों की, किसी के 50,000 के हो जाते हैं। जैसा जमीन है भाई, यहाँ से इन्होंने तोड़ा, चम्मे मंडी में ले गए, वहाँ बेच दिए। चम्मे में है मंडी है, देहरादून में है, ऋषिकेश में है, दिल्ली को गाड़ी जाती है मटरों की। प्रधानों की बैठक होती है वहाँ, मैंने बात होती है मतलब ना। अच्छा, तो पहली बार बता देते हैं, हम लिख देते हैं फलाड़ा विभाग है, अलाड़ा विभाग है, फलाड़ा विभाग से पता लग जाता है। इसमें एक चौकीदार चौकीदार रखा है हमारा, उसको हम 1200 रुपये प्रतिमाह देते हैं। टाइम पे पानी बंद करना और पानी की देखभाल, कोई ले मतलब जैसे पाइप होते हैं टूटी वगैरह कहीं फ्री है, उसको सही करना, इस ढंग से प्रत्येक परिवार से 20 रुपये देते हैं। उसकी तनख्वाह निकाल के जो बचेंगे, यूनियन बैंक का हमारा खाता है, मेंटेनेंस खाता बोलते हैं ना, मतलब जी। उसमें जमा कर देते हैं। पूरा पानी पानी है सारा।